एवरीवन, इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू द पावर ऑफ नो मेकअप मेकअप लुक ऑन ब्राउन स्किन। मैं आपको काफी सारे मेकअप ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगी आज के वीडियो में। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे कम से कम प्रोडक्ट यूज करते हुए मैंने अपने अंडर आई डार्क सर्कल्स को हाइड किया है। दिस इज अ अपडेटेड वर्जन ऑफ माई नो मेकअप मेकअप लुक दैट आई हैव बीन डूइंग लेटली फॉर समर्स। सो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन। आज का वीडियो टाइटल इज कम्प्लीटली इंस्पायर्ड बाय निकी ट्यूटोरियल्स द पावर ऑफ मेकअप, बट आई एम गिविंग माई ओन ब्राउन स्किन गर्ल ट्विस्ट टू इट। तो मेकअप दिखाने से पहले मैं स्किन प्रेप करूंगी। मैंने हमेशा जब भी मेकअप के बारे में बात किया है, मैंने स्किन प्रेप के बारे में बात किया है कि जब आप स्किन प्रेप करते हो अच्छे से, योर स्किन लुक्स हेल्दी। ऑल्सो मेकअप अगर आप कर रहे हो स्किन प्रेप करने के बाद, स्किन केयर करने के बाद, मेकअप सिट्स वेल, इट लुक्स गुड। डू अ प्रॉपर स्किन प्रेप एंड स्किन केयर रूटीन अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप एंड स्किन कंसर्न। एंड ऑनेस्टली इस वीडियो को शुरू करने से पहले आई A bit emotional मेरे स्किन को लेके, नॉट बिकॉज माई स्किन इज बिहेविंग बैड और आई एम लुकिंग बैड, वॉट एवर। आई वॉज हैप्पी द वे माई स्किन वॉज लुकिंग टूडे। आई वॉज जस्ट लाइक वाओ, आई ओनली हैव वन एक्ने ऑन माई फेस, बिकॉज फॉर द पास्ट 3 weeks ऑलमोस्ट माई स्किन वॉज नॉट बिहेविंग वेल। आई वॉज गेटिंग एक्ने एवरी सिंगल डे। देर वॉज अ पॉइंट वेन आई हैड लाइक लॉट ऑफ एक्ने राइट हियर, जिसके एक्ने मार्क्स अभी आपको दिख रहे होंगे, बट नाउ दोज एक्नेस आर गॉन। एक्ने के होने के मल्टीपल रीजन्स हो सकते हैं सीरियसली, एंड One of the major reason I get acne is because I have PCOD, so I do get hormonal acne. और आप लोग बोलोगे कि अरे तो PCOD को control करो ना शालिनी, acne कम हो जाएंगे। I know that. I'm trying, guys. I'm trying to not stress about it. I'm trying to have healthy lifestyle, healthy diet, trying to work out. But इतनी सारी चीजें करने के बाद भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, and then आई गेट एक्ने। मैंने हमेशा रियलिटी दिखाई है स्किन की, मेरी स्किन कैसे बिहेव कर रही है, मैं कैसा फील कर रही हूँ। आई थिंक इसकी वजह से यू ऑलवेज फाइंड दिस काइंड ऑफ कॉन्टेंट वेरी रिलेटेबल, एंड दैट इज वॉट आई वॉन्ट। आई वॉन्ट दिस चैनल टू बी इन्फॉर्मेटिव ऑल्सो एंड रिलेटेबल ऑल्सो, कि आप लोग को पता रहे कि यू नो यू आर नॉट अलोन, आई एम विथ यू। आई ऑल्सो हैव बैड डेज, गुड डेज। आई एम सॉरी थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गया। सो दिस इज हाउ माई स्किन हैज बीन लुकिंग। आई हैव नथिंग ऑन माई फेस, मैंने फेस भी नहीं धोया है। तो लेट्स स्टार्ट द स्किन प्रेप बाई वॉशिंग द फेस। फेस को धोने के लिए मैं यूज करूंगी डर्मा वाइब्स हाइड्रा क्लेंजर। इट्स अ वेरी गुड जेंटल क्लेंजर। वॉश में जाके फेस को गीला करके आई हूं मैं। अब मैं थोड़ा सा क्लेंजर लूंगी, दिस मच इज इनफ, एंड देन आई विल स्टार्ट मसाजिंग इट इनटू माय फेस इन सर्कुलर मोशन। इट्स एन ओटमील बेस्ड क्लेंजर, इट इज गुड फॉर ऑल स्किन टाइप, और ये सेंसिटिव और एक्ने प्रोन स्किन को भी सूट करेगा, जो कि मेरा है। आई हैव एक्सट्रीमली सेंसिटिव एंड एक्ने प्रोन स्किन। ये क्लेंजर एक्ने में भी काफी जेंटल है, इट एक्चुअली हेल्प्स टू प्रिवेंट ब्रेकआउट। इट्स अ वेरी गुड एवरीडे जेंटल क्लेंजर, यू नो डे टाइम के लिए बहुत मस्त है ये क्लेंजर। लेट मी गो wash my face, I'll be right back. आई एम बैग। अब स्किन को पैड्रा भी कर देते हैं अच्छे से। ओके, नेक्स्ट अप मैं लिप्स को मॉइस्चराइज कर रही हूँ, एंड नाउ आई विल बी यूजिंग 10% नाइसमाइड सीरम। दिस वर एक्ने मार्क्स एंड एक्ने स्कार्स। एक हफ्ते पहले ही मेरा टोनर खत्म हो गया, एंड माई स्किन इज ओके विद नॉट यूजिंग टोनर लेटली। एंड फॉर मॉइस्चराइजर आई विल बी यूजिंग न्यूट्रीडर्म मॉइस्चराइजिंग लोशन विद विटामिन ई। ये स्किन को मॉइस्चराइज तो रखेगा, साथ साथ इट एक्ट्स एज अ प्राइमर। मेकअप इतने अच्छे से बैठता है ना आफ्टर यूजिंग दिस मॉइस्चराइजर, एंड दिस मच इज इनफ जितना मैंने आपको दिखाया। एंड दिस एंटायर ट्यूब कैन लास्ट यू फॉर अबाउट 3 to 4 months, trust me, इतना सारा प्रोडक्ट आता है इसके अंदर। एंड ऑल्सो नो मैटर वॉट स्किन टाइप यू हैव टू यूज मॉइस्चराइजर। इससे पहले जो मैंने एक्टिव यूज किया था ना, दैट वॉज 10% नाइसमाइट सीरम, उसके बेनिफिट्स को लॉक करने में भी ये मॉइस्चराइजर मदद करेगा। अच्छे से मॉइस्चराइजर को स्किन ने एब्जॉर्ब कर लिया है। देर इज नो चिप चिप ग्रीसीनेस और ऑयलीनेस ऑन माई फेस। टॉकिंग अबाउट द मॉइस्चराइजर, आई ऑल्सो वांट टू मेंशन डर्मा वाइब्स मॉइस्चराइजिंग लोशन। दिस इज बेसिकली अ बॉडी लोशन जो कि एक्सट्रीम ड्राइनेस को ट्रीट करने के लिए बना है। अगर आप मेरी कोनियों को देखोगे ना, मेरे एल्बोज को, यू कैन see that how dry my elbows can be, and this is all season ka problem. That's one of the most neglected area of my body, and this moisturizer has been doing wonders for that area. Nahane ke baad wo wale area pe isko laga liya, and throughout the day wala area waisa ka waisa hydrated rehta hai. I don't have to regularly reapply my moisturizer, and that's the best part about this, because this is meant for extreme dry, itchy and sensitive skin which I have. Agar aap regularly razor use karte ho aapki body mein, definitely give this a try, kyunki aapko extreme inflammation aur itchiness se ye bachayega. So if you're interested in Derma Vibes and Nutridermz product, I'm going to provide links for them in the description box below. You can check them out. Okay, last but not the least, let's just apply sunscreen. So 3-finger method ka use karte hue main sunscreen nikal chuki apne haathon mein, and then I'm going to apply on my face, on my forehead, nose and neck. Do not forget the neck area. I also want to ask you guys if you want to see my top 7 or 8 sunscreen, because I think I have that much amount of sunscreen. So that's my easy peasy skin prep. I'm going to wait for 10 minutes taki skin care acche se meri skin mein baith jaye, sink in ho jaye. के बाद में
मैं अपना मेकअप शुरू कर सकती हूँ. 10 मिनट हो चुके हैं, नाउ आई कैन स्टार्ट विद द मेकअप रूटीन. आई एम नॉट गोना यूज एनी फाउंडेशन ऑन माय फेस, बट आई एम गोना यूज कंसीलर. कंसीलर भी मैं कम यूज करूंगी, जितना मैं पहले यूज किया करती थी ना उससे काफी कम यूज करूंगी. आई एम गोना हाइड माय अंडर आई डार्क सर्कल्स जो दिख रहा है, लिप्स के आसपास जो पिगमेंटेशन दिख रहा है. आई एम गोना शो यू कंसीलर ट्रिक्स. सो मैं यूज करूंगी मेबेलिन एजीवाइन कंसीलर इन द शेड कैरमल. व्हेन आई टेल यू दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कंसीलर ऑफ ऑल द टाइम, यू हैव टू बिलीव मी, क्योंकि आप लोग देख सकते हो दिस इज लाइक 3 MT Maybelline concealer and this is the new one that I opened abhi. So this one way I like to use this concealer is ki directly apply kar de under eye ke paas and then I will blend it. And another way I will use some concealer in the back of my hand, thoda sa nikal liya maine. And I will use a orange color corrector, usi ke upar thoda sa nikala hai maine. Flat eyeshadow brush ki madad se main in dono ko blend karungi. I'm making a peach color corrector basically. And then I'm gonna apply wherever I need to cancel the darkness under my eyes, especially this area. Aur main lips ke aaspaas bhi apply kar rahi hoon. Orange color corrector bhi main use karna pasand karti hoon, wo bhi acha khasa kaam karta hai, that helps to cancel out the darkness. But orange color corrector ko blend kafi zyada acche se karna padta hai. And now I'm gonna ब्लेंड सिर्फ एक ही साइड का ब्लेंड करके कंसीलर अप्लाई करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कितना डिफरेंस आ जाता है और कितने कम प्रोडक्ट आपको यूज करना पड़ेगा. मुझे ऐसे काफी क्वेश्चंस आते हैं कि एवरीडे मेकअप लुक में कलर करेक्शन करने का किसको टाइम है. आप एवरीडे मेकअप लुक कर रहे हो, यू डोंट वांट टू लुक एशी, यू नो यू डोंट वांट टू लुक कि आपका फाउंडेशन आपकी स्किन से मैच नहीं हो रहा है, इसलिए मैं कलर करेक्शन करती हूँ इवन फॉर माई एवरीडे मेकअप लुक्स. सिर्फ रिंग फिंगर की मदद से कितने आसानी से मैंने इसे ब्लेंड कर दिया है. कैन यू सी ऑलरेडी काफी अच्छा खासा डिफरेंस दिख रहा है, अंडर आई डार्कनेस काफी कम लग रहा है. सो कलर करेक्ट यूज करने के बाद मुझे एक मिनट तक रुकना है ताकि अच्छे से सेटल हो, उसके बाद मैं अपना कंसीलर यूज कर सकती हूँ. जब तक ये सेटल हो रहा है तब तक मैं आपको कंसीलर दिखा देती हूँ कि कौन सा यूज करूंगी. दिस इज पैक टेकओवर कंसीलर इन द शेड बर्थडे सूट. कैरेमल और बर्थडे सूट के बीच में ना थोड़ा सा कलर डिफरेंस है. आई फील लाइक जब मैं कैरेमल यूज करती हूँ ना, जस्ट एज इट इज इट काइंड ऑफ लुक्स डार्कर ऑन माई स्किन टोन, स्पेशली ऑन दिस एरिया ऑफ माई फेस. अंडर आई के लिए सही है, बट जब मैं बर्थडे सूट यूज करती हूँ ऑन दिस एरिया ऑफ माई फेस इट लुक्स गुड. सो बेसिकली मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि मेरे स्किन का कोई एक कलर नहीं है. मेरा फोरहेड इज डार्कर देन रेस्ट ऑफ माय फेस, माय चीक्स आर लाइटर देन माय अंडर आई एरिया, एंड आई डोंट वांट टू यूज फाउंडेशन और कंसीलर ऑल ओवर माय फेस. आई विल बी ओनली यूजिंग ऑन द सेंटर ऑफ माय फेस, इसलिए ये वाला कलर. ज्यादा प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे एंड ये वाले एरिया पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे अंडर आई बैग्स हैं तो उससे मैं हाइड कर रही हूँ. एंड नोज के आसपास जहां जहां मुझे एक्ने मार्क्स दिख रहे हैं उसके ऊपर इसे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है. एंड लिप्स के आसपास also my T-zone area just to balance everything out. And then with the help of my concealer brush I will start blending it. So tap 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 और ऊपर की तरफ drag किया मैंने इसको and just हल्का हल्का सा eyelid के ऊपर. अगर आप चाहते हो कि आपके eyelid का pigmentation भी कम दिखे, आपको eyelid के आसपास pigmentation है, तो आप peach color corrector eyelid के ऊपर भी apply कर सकते हो. And now look at the difference. Where is the under eye dark circles? कितना कम product मैंने use किया और under eye dark circles 70% कम हो चुके हैं, काफी हद तक दिख नहीं रहे हैं. Let me do this side of my face off camera. I'll be right back. Okay, I'm back. I did the other side. यहाँ जो acne marks हैं मुझे उसे मैंने hide नहीं किया. I don't want to hide everything. Acne marks दिख रहे हैं, दिखने दो. Face को set करने से पहले मैं use करूँगी blush. उसके लिए मैं use करूँगी Cuffs and Lashes का It's Dewy Blush. This is in the shade 2022. ये बहुत ही सुंदर coral peachy color है. Summer में काफी ज्यादा सुंदर लगता है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू अप्लाई टू डॉट्स यहाँ पे और एक यहाँ पे, और एक डैम ब्यूटी स्पॉन्ज की मदद से आई विल स्टार्ट ब्लेंडिंग दिस. आप चाहो तो ब्रश भी यूज कर सकते हो. दिस मच ब्लश इज इनफ, ट्रस्ट मी, दिस इज सो पिगमेंटेड. सो टैप 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 करके ब्लेंड कर रही हूँ मैं, एंड देन चीक्स पे डोम साइड की मदद से लेके आ रही हूँ ब्लश को. जो भी बच गया है उसे मैं यहाँ हेयरलाइन के पास ले जाऊंगी. सो आई एम मेकिंग अ सी हियर. सेम थिंग ऑन दी अदर साइड, एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे, नोज पे एंड चिन पे. लेट्स ब्लेंड. ट्रस्ट मी, लेस इज मोर. आप बाद में बिल्ड कर सकते हो, तो हमेशा लेस प्रोडक्ट से शुरुआत करना. और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने सर पे क्यों नहीं कोई कंसीलर अप्लाई किया यहाँ फोरहेड पे, बिकॉज माई फोरहेड इज डार्कर देन रेस्ट ऑफ माई फेस. सो एकदम नेचुरल कॉन्टर मुझे ऑलरेडी मिल जाता है, सो आई डोंट नीड एनी फाउंडेशन और कंसीलर. एंड चिन के एरिया को अच्छे से ब्लेंड किया. नाउ व्हेन आई विल सेट माई फेस दिस इज गोना गेट लाइटर. सो वन वे लाइक टू सेट माई फेस इज मिक्सिंग टू डिफरेंट टिंटेड कॉम्पैक्ट पाउडर. दिस इज फिट मी का मीडियम 25 एंड मीडियम डीप 30. दोनों को मिक्स कर दो तो बहुत ही अच्छा एवरीडे टिंटेड लुक
लूज पाउडर बन जाता है फॉर माय स्किन टोन। सो मैंने ऑलरेडी एम्प्टी लूज पाउडर के डब्बे में दोनों टिंटेड पाउडर को मिक्स करके रखा हुआ है। अब फेस को सेट करने से पहले आई एम गोना यूज माय कंसीलर ब्रश लुकअप एंड डू टैप 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 टैप। कोई भी क्रीसिंग हुई होगी उसे अवॉइड करने के लिए मैं ये मेथड कर रही हूँ, उसके बाद मैं सेट करूंगी। अगर मैं ये नहीं करती और डायरेक्टली कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर लेती या फिर लूज पाउडर यूज कर लेती तो जो क्रीस लाइन है वही सेट हो जाता और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और एक छोटे से पाउडर ब्रश की मदद से आई विल पिक माई टिंटेड लूज पाउडर, टैप ऑफ द एक्सेस एंड लुक अप एंड सेट, लुक अप एंड सेट, लुक डाउन एंड सेट द आईलिड एरिया एज वेल। फिर नोज के आसपास का एरिया पहले सेट कर रही हूँ बिकॉज आई टेंड टू गेट सुपर सुपर ऑयली राइट हियर एंड लिप्स के आसपास, दिस इज द मेन एरिया। अब मैं ब्लश को भी सेट कर रही हूँ, इसी की मदद से आप लोग देख सकते हो माई ब्लश हैज बिकम लाइटर। और जो भी प्रोडक्ट बच गया उससे चिन को सेट कर लिया, नेक पे भी अप्लाई कर दिया, हल्का सा फोरहेड पे डस्ट कर दिया। अब आई शैडो लगाना है नहीं लगाना डिपेंड्स अपॉन माई मूड, बट अगर मैं क्रीज लाइन को डिफाइन कर दूँ ना तो इट लुक्स मोर पुट टुगेदर द एंटायर नो मेकअप मेकअप लुक। सो इसलिए मैं यूज करूंगी कि ऐसा आई शैडो का कलर दैट इज वेरी क्लोज टू माई ओन स्किन टोन, जैसे ये वाला कलर आप लोग देख सकते हो, इट्स अ मैट लाइट ब्राउन कलर। एंड सर्कुलर मोशन पे क्रीज लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ मैं। अगेन दिस इज अ ऑप्शनल स्टेप, आप ये स्टेप को डेफिनेटली स्किप कर सकते हो, बट नेक्स्ट स्टेप इज समथिंग दैट आई डेफिनेटली लाइक टू डू एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू डू दैट एज वेल। अगर आपकी हल्की सी हुडेड आईज है, दैट इज टेकिंग अ डार्क मैट ब्राउन कलर एंड मिक्सिंग लिटिल बिट ऑफ ब्लैक ऑल्सो एंड यूजिंग दैट एज आई लाइनर, अप्लाइंग दैट वेरी क्लोज टू माई लैश लाइन। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट दैट आई लाइनर और स्मोकी आई लाइनर वाला इफेक्ट। मेरी ना एकदम ऑयली आई लेड है सो मैं ज्यादा लंबे समय तक आई लाइनर नहीं पहन सकती। ओके लेट्स डू मस्कारा नाउ। उससे पहले मैं आईलैशेस को कर्ल करूंगी। सो आईलैश कलर में पूरे आईलैशेस को लिया, आईलैश कलर को हल्का सा लिफ्ट करके आई विल जस्ट प्रेस कपल ऑफ टाइम्स और देखो कितने अच्छे से आईलैशेस लिफ्ट हो गए मेरे। लेट्स डू दिस साइड एज वेल। मस्कारा के लिए मैं यूज करी टू फेस बेटर देन सेक्स मस्कारा। ये बहुत अच्छे से लेंथनिंग इफेक्ट देता है और वॉल्यूमनाइज इफेक्ट देता है आईलैशेस को। ये वाले लैशेस में मैं ऐसे ऐसे स्ट्रोक पे जाऊंगी और यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो इस तरफ ऊपर की तरफ और इस डायरेक्शन में। मेरे नीचे वाले लैशेस के लिए एक दूसरा मस्कारा यूज कर रही हूँ, दिस इज अ वाटरप्रूफ मस्कारा। जो नीचे वाले आईलैशेस हैं ना मेरे वो लंबे लंबे हैं, सो अगर मैं कोई नॉन वाटरप्रूफ मस्कारा अप्लाई करती हूँ ना वो चिपक ही जाता है नीचे, इट डज नॉट लुक गुड। समर्स में वाटरप्रूफ मस्कारा इज मस्ट। आई नो उसको निकालना इज अ हेक्टिक, आई एम ओके टू फेस दैट स्ट्रगल ऑफ रिमूविंग द मस्कारा देन हैविंग अ पांडा आईज। फिर वही वाटरप्रूफ मस्कारा मैं ऊपर भी अप्लाई कर रही हूँ, डबलिंग अप माय मस्कारा, क्योंकि जो पहले मस्कारा अप्लाई किया था दैट वाज नॉट वाटरप्रूफ। ओके अब एक मैट पीच कलर का ब्रश लेके आई एम गोना लेयर अप माय ब्लश। मैंने एक लिक्विड ब्रश भी अप्लाई किया, मैं एक पाउडर ब्रश अप्लाई कर रही हूँ। उससे क्या होगा कि पाउडर ब्रश जब हट जाएगा तो विद इन मेरे पास लिक्विड ब्रश रहेगा एंड वो मुझे एक विद इन ग्लो देता रहेगा। इट्स जस्ट एन ऑप्शनल स्टेप, इफ यू फील लाइक कि आपने ऑलरेडी टू मच ब्रश अप्लाई कर दिया यू कैन जस्ट स्किप दिस स्टेप। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू माई आईब्रोज, दे आर माई प्रोमिनेंट फीचर्स, I look forward to do my eyebrows. So पहले मैं comb कर रही हूँ using the brush side of the eyebrow pencil. ठीक है, upper stroke में comb किया and यहाँ यहाँ पे जहाँ पे sparse area है वहाँ हल्के हल्के stroke से fill करना शुरू किया मैंने, creating a straight line. एकदम eyebrow like hair stroke दे रही हूँ मैं। फिर comb किया नीचे की तरफ एंड यहाँ पे fill किया जहाँ पे eyebrow के बाल बिल्कुल नहीं है, फिर ऊपर की तरफ comb किया एंड वाला आईब्रो फिलिंग इज डन। कैन यू सी द डिफरेंस ऑन माई आईब्रोज? सो ये वाला साइड मैं ऑफ कैमरा करके आती हूँ। ओके आई एम बैक। अब मैं अपने आईब्रोज को सेट करूंगी यूजिंग आईब्रो मस्कारा। तो यहाँ यहाँ अपर स्ट्रोक दिया मैंने और यहाँ यहाँ इन एन एंगल। और ये जो रूटीन मैं आपको दिखा रही हूँ ना ये मैं 10 मिनट में क्रिएट कर सकती हूँ बिकॉज आई एम यूज टू दिस रूटीन, आई हैव क्रिएटेड दिस मोर देन लाइक 200-300 टाइम्स एंड माई हैंड्स वर्क ऑटोमेटिकली। लुक हाउ ब्यूटिफुल माई आईब्रोज आर लुकिंग। नाउ आई एम गोना सेट माई एंटायर फेस यूजिंग अ मैट सेटिंग स्प्रे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर ये स्टेप मैं स्किप कर दूँ ना तो मेकअप तो एक घंटे ना लास्ट करे मेरे फेस पे। सो आग बंद किया, आग के ऊपर हाथ रखा बिकॉज आई डोंट वॉन्ट मेस अप माई मस्कारा एंड माई आई लुक एंड देन एंड क्विकली फैन 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 फैन। उसके बाद मैं ब्यूटी स्पॉन्ज में लूंगी जहां से मैंने ब्लश अप्लाई किया था वाला साइड छोड़ के दूसरा साइड से, आई विल जस्ट प्रेस इट इनटू माय स्किन लाइक दैट। उससे क्या होगा शाइनीनेस हट जाएगा मेरे फेस से जो मैंने सेटिंग स्प्रे यूज किया था उसके बाद जो दिख रहा था, और सो सेटिंग स्प्रे अच्छे से प्रेस हो जाएगा इनटू माय स्किन। अब बार ये लिपस्टिक की, आई एम शोइंग यू वन ऑफ माई फेवरेट गो टू न्यूड लिपस्टिक कॉम्बो। सो मैं एक चॉकलेट ब्राउन कलर का लिप लाइनर लूंगी, आई एम गोइंग टू आउटलाइन माई लिप्स, फिर उसी से फिल कर रही हूँ अपने लिप्स को एज वेल, स्पेशली आउटर कॉर्नर को। देन आई एम गोइंग टू यूज दिस मॉव न्यूड पिंक कलर लिपस्टिक, दिस इज बाय ईबा कॉस्मेटिक्स। इवन दो दिस इज अ लिक्विड लिपस्टिक काफी कंफर्टेबल फॉर्मुला है इसका, आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ऑन द सेंटर। सेंटर पे अप्लाई करने के बाद आई एम गोइंग टू पर्स माय लिप्स वंस, उसके बाद जहां जहां लिप लाइनर अप्लाई किया था उसके ऊपर मैं ये लिपस्टिक को अप्लाई करूंगी। इट्स गोना टेक लाइक कपल ऑफ सेकंड्स टू ड्राई। पर्स माय लिप्स अगेन,
like that. It's completely matte. It is also very comfortable to wear. And with that, I completed this look. I think the best part about this look was the amount of concealer I used. Itna kam maine concealer use kiya apne face pe. It looks like kafi effort dala hoga, but it is all about using different techniques to create the look and knowing the technique and mastering the technique. Over the years, I've been trying to reduce the step and reduce the amount of makeup I use on everyday basis and not trying to cake up my face or hide my acne marks and acne scars. And it's time to actually show the power of no makeup makeup look by removing half of the makeup from my face. Makeup remover in a cotton pad. Let's do this. And this is the power of no makeup makeup look. Being comfortable in my own skin, trying to enhance my best features, keeping the makeup very minimal and wearable. This is my with makeup side. I love this side. And this is my without makeup side. I love this side. So makeup pehenna hai, nahi pehenna hai, kitna product apply karna hai, it's a personal choice. But I like wearing makeup and sometimes I don't like wearing makeup. So you do you, you be you. Mujhe batana comment section mein aapko aaj ka ye video kaisa laga. I'm going to see you guys pretty soon with a brand new content. Bye everyone. Take care.